जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। जो देख रहे हैं हम लोग डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा है, इसका टेस्ट सीरीज जो है आज जो होने वाली दोस्तों 20 नंबर होने वाली है। तो आइए इस सेट प्रैक्टिस हम लोग जो मॉडल प्रैक्टिस मारते हैं वो 20 नंबर यूनिक पब्लिकेशन का करते हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला हम लोग का वह होने वाला है कौन सा, 20 नंबर होने वाला है दोस्तों। मॉडल सेट प्रैक्टिस जो होगी 5 होगी, 120 क्वेश्चन रहेंगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना स्कोर रहता है इस सेट में हमारा। अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर बताइएगा। देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 में पहला सेक्शन जो आता है हमारा सामान्य हिंदी का आता है। तो देखिए सामान्य हिंदी में प्रश्न क्या बनता है हमारा, ये सामान्य हिंदी में पहला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द बताने हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, बादल का घन होता है, आंसर बनेगा ये। अगला देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो आकाश को छूने वाला, आकाश को छूने वाले को क्या कहते हैं, गगनचुंबी, आंसर बनेगा सी, गगनचुंबी। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अपने से अधिक दूसरों का व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे, आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, दूसरों का व्यथा से, यहाँ दूसरों की व्यथा से होगा ना कि दूसरों की व्यथा से। यहाँ पे ये जो म की है ये नहीं लगेगा। अगला देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन हमें करना है। अधिक जनसंख्या भारत के लिए डैश है, आंसर बनेगा अभिशाप है, आंसर सी बनेगा अभिशाप। सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया है, यह कौन सा वाक्य है, कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, आंसर बनेगा बी, मिश्रित वाक्य। परोपकार शब्द में संधि विच्छेद कौन सी है बताना है, कौन सी संधि विच्छेद है, गुण इसमें संधि है, परोपकार में कौन सी संधि है, गुण संधि है। अगला देखिए, रामायण शब्द का कौन सा शब्द जो है विच्छेदित रूप है, कौन सा विच्छेदित रूप है, तो आंसर बनेगा सी, राम जोर आयन। अगला देखिए, सूर सागर की भाषा है, सूर सागर की क्या भाषा है, ब्रज भाषा है, आंसर बनेगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरवन शब्द का संज्ञा है, सुंदर सुंदरता शब्द में संज्ञा कौन सी है, सुंदरता भाव को दिखा रहा है, तो आंसर बनेगा भाववाचक। अगला देखिए, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, पंडित का स्त्रीलिंग रूप होगा पंडिताइन, आंसर बनेगा ए। व का उच्चारण स्थान है, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठय, आंसर बी बनेगा। व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, व्यंजन को हल नाम से जाना जाता है, आंसर ए बनेगा। अगला देखिए, पंचानन शब्द में कौन सा समास है, कौन सा समास है, बहुव्रीही समास है पंचानन में, आंसर बनेगा सी, बहुव्रीही समास। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अक प्रत्यय लगा हुआ, लेखक में प्रत्यय अक लगा हुआ है। मौन का विलोम कौन सा है, मौन का विलोम शब्द क्या होगा, मौन का होगा मूरख, आंसर बनेगा सी, मूरख। अगला देखिए, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं इसे हम लोग, इसे कहते हैं पारीक्षिक, इसे कहते हैं हम लोग पाक्षिक पत्रिका बोलते हैं, पाक्षिक पत्रिका, आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, जुगुप्सा कौन से रस की अस्थाई भाव है, जुगुप्सा कौन से रस की अस्थाई भाव है, आंसर बनेगा डी, विभत्स रस की है, आंसर डी बनेगा। सिंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, सिंगार रस का अस्थाई भाव है रति, आंसर सी होगा। चार चरण वाले चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, आंसर सी बनेगा। हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था, कौन किए थे, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी किए थे, आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, बरे न हुजे गुणन बिनु बिरद बराई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनु गढ़ो न जाए, में कौन सी अलंकार है, आंसर होगा अर्थोअंतर्यास अलंकार हो जाएगा, आंसर बी बनेगा। अगला देखिए, रंभा झूमत हौ कहा कछुक
दिनन के हेत तुमते केते है गए और हवे है यही खेत। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें है अंत्योक्ति अलंकार है। अंत्योक्ति अलंकार आंसर ए बनेगा। ध्वनि मई कर के गिरी कंदारा कलित कानन केली निकंज को। उपयुक्त में कौन सी अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है वृत्त अनुप्रयास अलंकार है। उधो मेरा हृदय तल था एक उधा न्यारा शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारी थी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? में कौन सी अलंकार है? इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। आंसर बनेगा ए। गद्य को पढ़ के हमें उत्तर देना है। ये गद्य को पढ़ते क्या लिखा हुआ? भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पकड़ता है। इतने बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं गद्यांश को कि इससे कोई भी क्वेश्चन हमें छूटना नहीं चाहिए। पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में तरह तरह की जड़ी बूटी एवं पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। जड़ी बूटी कौन सा समास है हमें बताना है। तो जड़ी बूटी कौन सा समास है? आंसर बनेगा हमारा बी, द्वंद्व समास होगा। अगला सेक्शन आता है जनरल इंग्लिश, जिसमें प्रश्न बनता है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। आइटम क्या है हमारा? एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। इसका मतलब होता है कि तत्क्षण होता है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा इंस्टेंटली, आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है वी वेयर ऑफ हिम ही इज एज अ स्लाई एज अ डैश। आंसर बनेगा यहाँ पे बी, फॉक्स बनेगा। और स्लाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है? स्लाई का मतलब होता है कपटी कुटिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवेन आइटम। क्या है आइटम हमारा? स्पिल द बीन्स। इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है भेद खोलना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा टू लीक द सीक्रेट, आंसर ही बनेगा। सिलेक्ट द करेक्ट होमोनिम सिलेक्ट द करेक्ट होमोनिम फ्रॉम द गिवेन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा क्या है? विच डैश डज द मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली। आंसर बनेगा हमारा रूट, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा रूट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है? रामू वेंट विथ हिज फ्रेंड्स ऑन अ ट्रिप टू डैश न्यू पाथ। आंसर बनेगा एक्सप्लोर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। सेंटेंस क्या है? पैगमिलियन वॉज रिटन बाई जीबी सॉ। आंसर हमारा बनेगा सी, जीबी सॉ रोट पैगमिलियन, आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। सेंटेंस क्या है? एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज टू हिम बाई द एयरपोर्ट सिक्योरिटी। आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा ये, द एयरपोर्ट सिक्योरिटी रिफ्यूज हिम एडमिटेंस, आंसर ये बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस क्या है? एन आउटलुक दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारा आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा कॉस्मोपोलिटन। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है सेंटेंस? वी शुड डैश हिज आउटफिट एज ही वॉज पुट ऑन वेट। आंसर बनेगा क्या हमारा? आंसर बनेगा इसमें अल्टर, राइट आंसर हो जाएगा बी अल्टर। अगला देखिए कि सिलेक्ट द करेक्ट
होमोनेम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस क्या है? द फ्रेंच परफ्यूम हैज अ वंडरफुल डैश. आंसर बनेगा हमारा सेंट. आंसर बनेगा ए सेंट. अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस क्या है? द न्यू एम्प्लॉय सेड दैट ही वॉज डैश ऑफ डूइंग द जॉब वेल. आंसर बनेगा क्या? कॉन्फिडेंट. आंसर ये होगा. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस क्या है? ही अप्लाइड फॉर ऑफिशियल डैश टू ऑर्गेनाइज द इवेंट. आंसर बनेगा क्या? आंसर हमारा बनेगा परमिशन. आंसर बनेगा परमिशन. ऑर्गेनाइज द इवेंट तो परमिशन हो जाएगा सी. अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस है आफ्टर आवर्स ऑफ डिसीजन. आफ्टर आवर ऑफ डिस्कशन द टीम डैश एट द सेम कंक्लूजन. आंसर बनेगा अराइव्ड. आंसर ए होगा. अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन अ गिवन सेंटेंस क्या है? क्लाइंबिंग अ ट्री टू प्लक मैंगोज इज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस. तो आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा डी थ्रिलिंग और क्लाइंबिंग हो जाएगा. अगला देखिए, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस क्या है? आउट सेल्वेशन. आउट सेल्वेशन लाई इन रियलाइजिंग आवर किनशिप विथ ऑल ह्यूमिनिटी. आंसर बनेगा हमारा, आंसर बनेगा रियलाइजिंग. आंसर हो जाएगा सी रियलाइजिंग. अगला देखिए, विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. आंसर बनेगा हमारा सी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें. अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. क्या है सेंटेंस? आई हैव बीन वॉकिंग अलोंग द रिवर ही सेड. आंसर बनेगा ही सेड दैट ही डैश अलोंग द रिवर. तो आंसर क्या बनेगी हमारा? हैड बीन वॉकिंग. आंसर ये बनेगा. द ये सिंबल पूछ रहा है कि क्या है, तो ये सिंबल है एक्सक्लामेटरी मार्क. आंसर ए बनेगा. सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज. तो क्या है? अकॉर्डिंग टू. आंसर इसका क्या बनेगा? आंसर बनेगा एज स्टेड बाई. आंसर क्या बनेगा? एज स्टेड बाई. अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है के अनुसार, है ना. तो यहाँ पे बन जाएगा डी राइट आंसर. अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन अ सेंटेंस. तो आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा टू सो डायरेक्ट स्पीच विद इन और नेक्स्ट. आंसर बनेगा ए. अगला जो सेक्शन आता है गणित का, देखिए गणित में क्या है प्रश्न. 7 + 10x - 5x² का अधिकतम मान क्या होगा ये हमें बताना है. तो इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम हम मान निकालते हैं, तो आइए इसको निकाल के दिखाते हैं. मैक्सिमम और मिनिमा जो है dy/dx होता है इक्वल 0, एंड मैक्सिमम वैल्यू जो होता है हमारा ये होगा d²y/d/x², ये क्या होगा 0 बड़ा होगा इससे. तब क्या लिखेंगे यहाँ पे कि dy/dx इक्वल 0. एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है 10 - 10x इक्वल क्या होगा 0 होगा. x = 1, ठीक है. तो x = 1 तो d²y/dx² इक्वल -10, इससे भी बड़ा क्या होगा 0 होगा. तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि x = 1 आ गया, तो 7 + 10x - 5x² रखने पर जो मैक्सिमम जो वैल्यू आया हमारा 7 + 10 × 1 - 5 1² 7 + 10 - 5 17 में से 5 घटा दी, यानी आंसर आया हमारा 12. तो राइट आंसर क्या आ रहा है इसका? आंसर जो आ रहा है हमारा डी. अगला देखिए,
टू एक्स वाई इंटू थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस फाइव जेड और फाइव वाई जेड इंटू टू एक्स माइनस थ्री वाई का योग क्या होगा ये हमें बताना है। तो ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ऐड करके देखते हैं क्या आ जाएगा। तो इसे ऐड करेंगे हम लोग, लिखते हैं पहले क्या है, टू एक्स वाई इंटू थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस फाइव जेड प्लस फाइव वाई जेड टू एक्स माइनस थ्री वाई। अब इसे कैलकुलेट करिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा प्लस इसको फिर इससे करेंगे, फोर टू जा एट एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसको अब इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, टेन एक्स वाई जेड हो जाएगा प्लस अब फिर इसको इससे करेंगे तो टेन एक्स वाई जेड हो जाएगा प्लस टेन एक्स वाई जेड माइनस फाइव थ्री जा फिफ्टीन वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। अब जो एक्स वाले हैं, एक्स स्क्वायर वाले उसको एक जगह, वाई स्क्वायर वाले को एक जगह, एक्स वाई जेड वाले को एक जगह रखते हैं, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस एट एक्स वाई स्क्वायर माइनस फिफ्टीन वाई स्क्वायर जेड, ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा इसमें, आंसर हमारा बी होगा, सिक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस एट एक्स वाई स्क्वायर माइनस फिफ्टीन वाई स्क्वायर जेड। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10, 6 और 4 सेंटीमीटर है, तो कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा यह हमें निकालना है। तो सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। तो आइए इस पे बना के देखते हैं क्या आ रहा है, 2 एल का वैल्यू 10 गुने बी का वैल्यू 6 प्लस बी का 6 और एच का वैल्यू दिया है 4 प्लस एल का वैल्यू 10 और एच का वैल्यू 4। कैलकुलेट करते हैं, 2 60 प्लस 24 प्लस 40 स्क्वाड करिए, 2 इंटू 124 मल्टीप्लाई कर दीजिए 248, तो कितना आ गया 248। राइट आंसर हमारा बन गया 248 वर्ग सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समचतुर्भुज का एक आंतरिक कोण 120 डिग्री है, इसके अधिक लंबाई वाले विकर्ण की लंबाई क्या होगी यह हमें बताना है। तो आइए यहाँ पर बना के देखते हैं, यहाँ पे एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, दोनों का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजी करते हैं, ये भी 60 है, ये 30 और ये 30, ये 60 और ये भी 60, ठीक। यहाँ पे 120 डिग्री दिया हुआ है, ये तो 90 पे फॉर्मेशन होता है इसका, ठीक। ये 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है और ये भी 12, सभी 12 है। तो हम क्या करेंगे, ए ओ बी यहाँ पे नाम रख देते हैं, ए बी सी और डी, यहाँ पे ओ रख देते हैं इसका नाम, ठीक। ए ओ बी को देखें हम लोग तो यहाँ पे 12 है इसका वैल्यू, ठीक। जब यहाँ पे इसका 12 दिया हुआ, ये 60 है, ये 30 है और ये 60 है, ये 90 है, ठीक। तो आइए इसको निकाल के देखते हैं, कॉस 30 इक्वल ए ओ बाई ए बी लिखेंगे, कॉस 30 का वैल्यू रूट 3/2 होता है, ए ओ नहीं दिया है, ए बी दिया है 12, काटिए 26 जा तो कितना जाए, 6√3, ए ओ कितना आ गया, 6√3 आ गया। अब बड़ा विकर्ण जो निकालेंगे हम लोग, बड़ा विकर्ण वो ए सी है, तो ए सी 2 गुने ए ओ करेंगे, 2 गुने 6√3, 6 2 जा 12√3, तो आंसर कितना आ गया, 12√3 आंसर हमारा बन गया बी, 12√3 डी बनेगा आंसर, इसमें तो √2 है ना, √3 आ रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 9000 की धनराशि पर 3 वर्ष में 2970 रुपया साधारण ब्याज मिलता है, अगर ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो 3 वर्ष में उसी धनराशि पर ब्याज कितना होगा हमें बताना है। तो प्रारंभिक पहले रेट निकाल लेते हैं, यहाँ पे जो शुरू में रेट था इज इक्वल इंटरेस्ट इंटू 100 बट्टा पी गुने टाइम होता है,
तो इंटरेस्ट कितना है, 2970 गुने 100 बट्टा प्रिंसिपल है 9000 गुने 3। कैलकुलेट कर लीजिए, 3 0 3 0 कैंसिल, 9 से काटिए, 9 3 जा 9 3 जा 3 से काटिए 11। तो हमारा रेट जो आ गया कितना आ गया, 11% आ गया, रेट आ गया 11%। अब नई दर जो है इसमें 2 जुड़ जा रही है यानी 13 हो जा रही है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो, पी गुने आर गुने टी बटा 100 डालिए, 9000 गुने रेट 13 हो गया, अब गुने 3 साल बटा 100 कीजिए, 2 0 100 रहेगा, 2 0 काटिए, कैलकुलेट करिए तो कितना आ जाएगा, 90 गुने 39 इक्वल आ जाएगा 3510। तो राइट आंसर हमारा क्या बन गया, बी, 3510 राइट आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, यदि चर के मान 1, 7 और उसकी बारंबारता क्रमशः 2, 1 हो तो माध्य हमें निकालना है। यहाँ पे x1 ले लेते हैं, x1 इक्वल 1 ठीक है, f1 इक्वल 2, x2 इक्वल 7 है और f2 इक्वल 1। तो माध्य बराबर होगा हमारा, माध्य बराबर क्या लिखेंगे, x1 f1 plus x2 f2 by f1 plus f2 लिखेंगे। ये फॉर्मूला होता है, इस पे हम लोग रखते हैं इसका वैल्यू, तो 1 गुने 2 plus 7 गुने 1 by 1 plus 2, 2 और 7 9 by 3 काटिए इसको, आंसर आ गया 3। तो राइट आंसर हमारा बन रहा है इसमें डी, राइट आंसर डी। यदि साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 1 minus root 3 by 2 हो तो कोण ए का मान हमें बताना है कि क्या आएगा। तो पहले लिखते हैं साइन ए माइनस कॉस ए बराबर जो दिया हुआ है, साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 1 minus root 3 by 2 दिया हुआ है, दोनों साइड हम वर्क कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल 1 minus root 3 by 2 का होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 sin into cos हो जाएगा इक्वल 1 plus, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 plus 3 minus 2 root 3 हो जाएगा बट्टा 4। तो ये 1 minus sin square इक्वल 4 minus 2 root 3 by 4 होगा। तो sin 2a equal 1 minus 4 minus 2 root 3 by 4 हो जाएगा, 4 minus 4 plus 2 root 3 हो जाएगा by 4। तो sin 2a का वैल्यू जो है हमारा 2 root 3 by 4, root 3 by 2 60 का होता है, root 3 by 2 जो होता है 60 का वैल्यू, इसको काटिए 2, रूट थ्री का वैल्यू होता है साइन 60 का वैल्यू, तो यहाँ पे 60 डिग्री आ गया मेरा। अब यहाँ पे 2 है 2a, तो a इसको काटिए 2 से 30 डिग्री, यानी a का वैल्यू जो आ गया हमारा कितना, 30 डिग्री आ गया। तो राइट आंसर बनेगा इसका b। संख्या x में से अगर 3 घटा दे तो इस प्रकार संख्या मूल संख्या का 1/3 रह जाती है, इस कथन को व्यक्त करने वाला समीकरण कौन सा है हमें बताना है, कौन सा समीकरण व्यक्त करेगा इसे। तो आंसर बनेगा हमारा इसमें डी, x-3 equal x/3, ये इसको व्यक्त करेगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल 4 तथा 5 हो तो समीकरण हमें बताना है। तो आइए देखते हैं कौन सा आ रहा है। मान लेते द्विघात समीकरण का मूल अल्फा इक्वल 4 है तथा बीटा जो है हमारा क्या है, 5 है। तो देखिए अल्फा 4 और बीटा 5, समीकरण एक्स स्क्वायर यहाँ पे रख के देखते, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 plus 5 इंटू एक्स प्लस 4 गुने 5 यानी 20 इक्वल 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x plus 20 हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस 20। आंसर बनेगा हमारा ए बन जाएगा इसमें। अगला देखिए, रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 16 है, यदि y का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे y का वैल्यू रख दीजिए, 3 टू जा 6, तो इधर जाके घट जाएगा यानी 10। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5, तो हमें x का वैल्यू निकालना था। तो राइट आंसर यहाँ पे बन गया सी। अगला देखिए, यदि ए का वैल्यू दिया है -1/3, बी का वैल्यू -1, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा हमें बताना है। कौन सही होगा इसमें, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तो ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास -1/3 जो है ये बड़ा है किससे, -1 से। तो इसलिए ए जो होगा बड़ा होगा किससे, बी से बड़ा होगा। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, बी बनेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित समीकरण में मूलों का गुणनफल बताना है। तो ये मूल का गुणनफल निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 है। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, c बाई ए होता है। c कितना है, -3, और a कितना है, 1, यानी आंसर क्या आएगा, -3। तो राइट आंसर बनेगा हमारा c। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होंगे कब। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होंगे यदि विवेचक क्या हो, 0 हो। तो आइए रखते हैं हम इस पे वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4ac आ जाएगा, है ना। तो आंसर हमारा क्या निकल रहा है इसमें, सी निकल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टैन इंटू 90 माइनस थीटा का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा। तो टैन 90 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस बट्टा साइन। तो आंसर क्या बनेगा, बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है हमें बताना है। कौन सा कथन सही है, तो देखिए साइन 30 का वैल्यू जो होता है कॉस 60 के बराबर होता है, साइन 30 का वैल्यू कॉस 60 के बराबर। तो आंसर बनेगा हमारा सी, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 60 का भी वैल्यू उतना ही होता है। अगला देखिए, साइन थीटा का कौन सा मान सही है, साइन थीटा का मान कौन सा सही है। तो आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 होता है। साइन स्क्वायर यदि इधर रहने दे दे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई रूट हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट में तो आंसर बन रहा है सी। एक वृत्त के केंद्र ओ है, किसी बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं पीएम और पीएन खींची गई है, तो वृत्त को एम तथा एम पर स्पर्श करती है। तो एंगल पीओएन 50 डिग्री है, तो एंगल पीएमपीएन का मान हमें बताना है कि क्या आएगा। तो आइए इसको बना के देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे एक वृत्त है, इससे स्पर्श रेखाएं खींची गई है दो, यहाँ पे मेरा केंद्र है, यहां से ये एक लंब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 बनता है, ठीक है, क्योंकि स्पर्श रेखाएं हैं यहाँ पे, और ये हमारी त्रिज्या है, इसका नाम रखिए एम, इसका है ओ, इसका एन, और इस वाले का पी है। तो यहाँ पे पी ओ एम, पी ओ एम ये त्रिभुज जो है, और पी ओ एन ये त्रिभुज जो है, आपस में क्या है, सर्वांगसम है, समकोण दोनों है, ठीक है। तो पी ओ एन एंगल पी ओ एन इक्वल एंगल पी ओ एम होगा, कितना है, 50 डिग्री, ठीक है। पी ओ एन त्रिभुज हम लोग पी ओ एन वाले में आते हैं, और इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमारे पास एंगल ओ पी एन इक्वल 180 माइनस 90 प्लस 50 हो जाएगा, तो इसे घटाइए तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 140, इसमें से घटा देंगे 40 डिग्री आ जाएगा ओ पी एन का वैल्यू। इसे आप इक्वेशन 1 ले सकते हैं। अब ट्रायंगल पी ओ एम में आते हैं, और इसमें देखते हैं एंगल ओ पी एम इक्वल 180
माइनस 90 प्लस 50 हो जाएगा, इसमें से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन दो ले लेते हैं, इक्वेशन होगा वन और टू को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, एंगल ओ पी एन प्लस एंगल ओ पी एम इक्वल 40 40 80 आ जाएगा दोनों, ठीक है। तो यानी ये दोनों का फॉर्मेशन को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एम पी एन इक्वल बनेगा 80 डिग्री। तो राइट आंसर हमारा क्या आ गया, 80 डिग्री, ऑप्शन बनेगा हमारा सी। अगला देखिए, समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 10 है, दोनों भुजाएं भी 10 हो जाएंगी, तथा समबाहु त्रिभुज डी ई एफ की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है। तो ये त्रिभुज का अनुपात हम लोग बनाते हैं क्षेत्रफल का, ये समबाहु त्रिभुज है एक जिसका 10 है और एक जो है 5 है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। पहले ए बी सी वाले का लिखते हैं, ए बी सी बटा डी ई एफ का क्षेत्रफल, तो इसका होता है √3/4 गुने साइड का होल स्क्वायर, साइड दिया है 10 यानी 100 हो जाएगा, बट्टा √3/4 गुने साइड इसका दिया, इसका भी दिया है कितना 5, 25 हो जाएगा, √3/4 √3/4 कैंसिल, 25 से काटिए 4 मरतब यानी 4:1 के रेशियो में आ गया, आंसर हमारा बन गया 4:1, राइट आंसर बनेगा डी। अगला देखिए, ए बी सी डी समचतुर्भुज के विकर्ण ओ बिंदु पर मिलते हैं, यदि यदि एंगल ओ ए बी 30 डिग्री तो ओ बी ए का मान हमें बताना है कि क्या आएगा। तो ये समचतुर्भुज बना के बनाते हैं, यहाँ पे समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण ये 30 डिग्री है, ए बी सी और ये है डी हमारा। समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, ए ओ बी, ए यहाँ पे ओ और बी ये 90 है, ए ओ बी 90 डिग्री है, ए ओ बी ट्रायंगल में आते हैं तो ओ बी ए, ओ बी ए ये वाला एंगल जो है हमारा 180 माइनस 90 प्लस 30 हो जाएगा, यानी इस दोनों में से घटेगा तो 120 घटा दीजिए इसमें से तो कितना बच जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर जो हमारा बनेगा 60 डिग्री, आंसर सी आएगा। अगला देखते हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से गोलाकार 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती है, कितनी बनाई जा सकती है, तो 10 वाले को ऊपर रखिए और नीचे 1 वाले को, 4/3, 4/3 होता है उन काट दीजिए, 4/3 होता है और 4/3 तो ये कट जाएगा दोनों, और पाई आर क्यूब होता है, पाई से पाई कैंसिल, आर का क्यूब इसको कीजिएगा 10,000 हो जाएगा और ये तो 1 ही रहेगा, यानी कितनी गोली बनाई जा सकती है 1000, आंसर बनेगा हमारा डी। अगला क्या है कि आर के किस मान के लिए एक्स माइनस वाई आर वाई इक्वल आर और एक्स प्लस आर माइनस 2 × y इक्वल 2 का हल नहीं होगा। तो ये जो समीकरण है हमारा, इसका x प्लस आर माइनस 2 × y इक्वल 2 का हल नहीं होगा, ये विरोधी होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग लिखेंगे 1/1 इक्वल माइनस r/r माइनस 2 इक्वल डजंट इक्वल जो है r/2, तो 1/1 इक्वल माइनस r/r माइनस 2 से हम लोग करेंगे कि r माइनस 2 इक्वल माइनस r, तो 2r इक्वल हो जाएगा 2, यानी r का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1, तो हम r का वैल्यू 1 निकाल लेंगे, तो 1/1 डजंट इक्वल होगा r/2, यही रियल होगा, यानी r का वैल्यू क्या होगा 1, तो आंसर हमारा बनेगा इसमें सी बन जाएगा आंसर, r का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। अगला प्रश्न देखते हैं कि cos a प्लस cos into a प्लस 120 डिग्री प्लस cos into 120
माइनस ए का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल दीजिएगा, इसका आंसर आपको बता देते हैं जीरो होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः दिया हुआ है 36 और 81, पहले त्रिभुज की ऊंचाई 4.8, दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई हमें बतानी है, तो ये निकाल देते हैं, इसकी हो जाएगी 36 बटा 81 इक्वल 4.8 बाई, यहाँ पे एच दूसरी ले लेते हैं, इसकी होल स्क्वायर, इधर होल स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बन जाएगी, ये रूट आ जाएगी इधर में, 6/9 इक्वल हो जाएगा 4.8 बाई एच हो गई, 3 से काटिए, 3 2 जा 3 3 जा 9 बाई 10 हो जाएगी, 2 से काटिए 24, 2 से काट सकते हैं 12 5, यानी कितनी हो जाएगी ये 36/5, एच की वैल्यू जो होगी हमारी 36/5 हो जाएगी, इसे और भी छोटा कर सकते हैं हम लोग, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो आंसर हमारा दूसरी जो संगत ऊंचाई 7.2 सेंटीमीटर आया, आंसर बी। आकृति में ए सी एक रेखा है, तो एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी है, क्या है ये, तो ये जो है लीनियर पेयर होंगे, हमारा डी बी सी और ए बी डी, ये क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे, आंसर बनेगा ए। अगला देखिए, यदि बहुलक माइनस माध्यक बराबर 24 हो तो माध्यक माइनस माध्य का वैल्यू क्या होगा, तो आंसर हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि बहुलक बराबर 3 × माध्यिका माइनस 2 × माध्य होता है, यहाँ पे रखते हैं 24 प्लस माध्यिका इक्वल 3 × माध्यिका माइनस 2 × माध्य, 24 इक्वल 2 कॉमन कर लेंगे, माध्यिका माइनस माध्य, तो माध्यिका माइनस माध्य इक्वल 24/2, काटिए तो इसका आ जाएगा 12, आंसर हमारा बन जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो सेक्शन आता है विज्ञान का क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का उपयोग होता है, कौन से धातु का उपयोग होता है, यूरेनियम का, आंसर बनेगा ए। अगला देखिए, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे, कौन सा करेंगे, नाइट्रोजन का करेंगे, आंसर बनेगा ए। अगला क्वेश्चन है कि चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, पोटेशियम साइनाइड से बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीतल में कौन सी धातु होती है, पीतल में कौन सी धातुएं हैं, पीतल में तांबा और जस्ता है, एस्पिरिन कहाँ से मिलता है, एस्पिरिन कहाँ से मिलता है, यह मिलता है एक पेड़ से, आंसर बनेगा सी। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, मायोग्लोबिन में लोहा धातु होता है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है, हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है, आंसर बनेगा डी, वाटर हो जाएगा। अगला देखिए, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, किस तरफ करती है, उत्तर की तरफ करती है, नॉर्थ में, आंसर सी बनेगा। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है, चंद्रमा से होती है, मून से, सोना को घोला जा सकता है, किसमें घोला जा सकता है, इसे घोला जा सकता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। अगला देखिए, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, फाइबर को गर्म करके करते हैं, आंसर यहाँ पे बी बनेगा। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से किया जा सकता है, आंसर बी बनेगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, आंसर ए बनेगा। लोलक की काल विधि टाइम पीरियड जो है
किस पर निर्भर करती है? आंसर बनेगा बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण जल जाती है? क्लोरीन के कारण जल जाती है। आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तन होता है तब क्या होता है? तब 30% ऊष्मा हानि होती है। आंसर बनेगा सी। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। आंसर बनेगा ए, इथाइल अल्कोहल। रडार का आविष्कार कौन था? रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वॉटसन था। आंसर ही बनेगा। अगला देखिए, कृमि खाद यानी वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि या कीड़े का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? केचुए का किया जाता है। आंसर बनेगा सी। हीलियम परमाणु के एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं? जीरो होते हैं। परमाणु संख्या इसका क्या है? दो है। अगला आता है सामाजिक अध्ययन। इसमें क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? 1828 ईस्वी में किया गया था। अगला देखिए, मुगल प्रशासन में मुहतसीब को लोक आचरण अधिकारी कहते थे। आंसर सी बनेगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? कश्मीर में किया गया था, कुंडलवन में। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। आंसर डी बनेगा। हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षचरित जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। मुद्राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर बनेगा इसका विशाखदत्त। नौकरशाही का कार्य है, नौकरशाही का कार्य क्या है? आंसर बनेगा डी, उपयुक्त सभी होगा। सरकार की नीतियों का लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्री की सहायता करना। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। आंसर डी है। सुरक्षा प्रकोष्ठ डैश की नीति है, रिंग फेंस किसका नीति से संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग्स। आंसर बनेगा ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे? आंसर होगा लाला लाजपत राय। आंसर डी बनेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का पीएम था चर्चिल। 1940-45 तक रहा था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडलग्राम में। आंसर बनेगा ए, कुंडलग्राम, जो वैशाली जिले, बिहार राज्य के वैशाली जिले में पड़ता है। किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा किया था? तो वह कौन थे? वह थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, किस फाइबर को बढ़ने के लिए ठंड मुक्त दिन की आवश्यकता होती है? आंसर बनेगा हमारा कपास। आंसर होगा ए। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक भावनाएं हैं? राजस्थान। सबसे अधिक संभावनाएं कहाँ पे हैं? राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास के लिए। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? एक आवश्यक शर्त जो है लोकतंत्र में आस्था।
विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? आंसर बनेगा हमारा सी, वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग आता है इसमें, निष्कर्ष दिया हुआ है। कुल पुरुष शिक्षित हैं, शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार पसंद करते हैं, तो निष्कर्ष हमारा क्या निकला है? सभी परिवार शिक्षित हैं, कुछ व्यक्ति छोटे परिवार पसंद करते हैं, तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा यहाँ पे निष्कर्ष दो सही है, मतलब कुछ छोटे परिवार पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी से कद में लंबा है जो कि सी से छोटा है और डी से लंबा है, तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा जो आएगा हमारा डी होगा, तो आंसर क्या बनेगा हमारा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है हमें, तो आता है ये शब्दकोश के अनुसार कैसे लिखते हैं? डिक्शनरी में जैसे रहता है, पहले ए फिर बी पहले सी डी ई, असेंडिंग ऑर्डर में रहता है, तो आंसर यहाँ पे बनेगा हमारा ए हो जाएगा। पहले दो आएगा, उसके बाद एक, उसके बाद तीन, तब चार आएगा, तो आंसर ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लुप्त संख्या हमें बताना है इसमें क्या होगा, तो देखिए क्या आने वाला है। 15 + 28 + 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। और यहाँ पे 20 + 16 + 14 इसे भी कीजिएगा तो 50, और इस दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 × 3 = 10, 2 + 1 = 3 = 4, यानी चाहिए कितना? 10 चाहिए, तो आंसर कितना बनेगा हमारा? 10, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आने वाला है यह बताना है हमें। 17 से 20 तीन बढ़ा, 20 से 3 तीन गुना हुआ, यहाँ तीन बढ़ रहा है ये गुना हुआ, फिर यहाँ पे चार बढ़ा ये चार गुना हुआ, 5 बढ़ा 5 गुना हुआ, 6 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 11, तो आंसर बन जाएगा हमारा 311 बी। अगला देखते हैं, यहाँ पे बोला है चिन्ह को क्रमिक रूप से बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए बीजगणित का चिन्ह का यूज करना हमें, तो आइए इसकी बीजगणित का चिन्ह का यूज करते हैं। देखिए हम बी लेते हैं, यहाँ पे बी माइनस प्लस मल्टीपल डिवाइड और इक्वल ये कीजिएगा तो आपको 40 आना चाहिए, तो आंसर आपकी बन जाएगी, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी, यहाँ पे आंसर बन जाएगा बी हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पहला दूसरे से संबंधित है, तीसरा चौथे से, तो चौथा पांचवा छठा से कैसे संबंधित है यह हमें बताना है। तो कैसे संबंधित है, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है बी आर ओ और एस ई आर, बी आर ओ एस ई आर है ना, ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट लास्ट में और ये लास्ट वाला पॉइंट स्टार्टिंग में, सेम यही कंडीशन करते हैं। यहाँ पे जो है हमारा तीन और ये तीन अक्षर, तो ये जो लास्ट में है इसे हम शुरू में लिखते हैं, टी ओ पी लिखेंगे, टॉप इसमें भी है इसमें भी है, ये तो होगा नहीं ये भी होगा नहीं, तो अब देखिए ये स्टार्टिंग वाले को लास्ट में ले जाते हैं डेस्क, यही बस बच रहा है, तो आंसर बनेगा मेरा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन दिया हुआ है क्या है कि प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी स्कूल ने छुट्टी की घोषणा की, प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी कॉलेजों ने छुट्टी की घोषणा की, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आंसर इसका आ जाएगा, यदि दोनों कथन एक और दो किसी सामान्य कारण के प्रभाव है, तो आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, नीचे दिया गया है कथन और कार्यवाही, कथन क्या है कि भारतीय विश्वविद्यालय से बड़ी संख्या में निकलने वाले ग्रेजुएट रोजगार योग्य नहीं है, कार्यवाही क्या है, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तय करने के लिए उच्च शिक्षा के कॉलेज और संस्थानों के अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए या विश्वसनीय विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में परिसर में बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए,
तो आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बनेगा डी, ए और बी दोनों होगा। अगला है कि प्रश्न हल करने के लिए निर्देश दिया गया है, इसे चिन्हित करना आवश्यक है। एक उम्मीदवार जो शर्त को पूरा करता है साथ ही उचित कार्यवाही भी करता है, बैंक के अधिकारी के पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता मापदंड क्या है, नीचे दिया गया है। तो देखिए ये नीचे क्या दिया गया है, मापदंड। यहाँ पे मापदंड में है कि उम्मीदवार को कम से कम 65% अंक के साथ स्नातक होना चाहिए, उम्मीदवार के पास स्नातक में कम से कम 60% होने चाहिए यदि उसके पास कम से कम 65% अंक के साथ स्नातकोत्तर हो। तीसरा क्या है, यदि उम्मीदवार के पास डॉक्टरेट की डिग्री यानी PhD है तो उसके पास स्नातक में कम से कम 55% अंक तथा स्नातकोत्तर में कम से कम 60% अंक होना चाहिए। उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों में कम से कम 55% अंक होने चाहिए। अगर उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट के बाद कम से कम 5 साल का अनुभव है। अगला है कि उम्मीदवार के पास स्नातक में कम से कम 60% अंक होने चाहिए यदि उसके पास स्नातक के बाद कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। तो प्रश्न हमारा क्या है कि मानसी राय ने स्नातक में 65% अंक और स्नातकोत्तर में 50% अंक प्राप्त किए। वह PhD पूरा करने के बाद 10 साल से काम कर रही है। तो आंसर क्या बनेगा, इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर हम लोग अगले सेट में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।